गुड आफ्टरनून एवरीवन, यूट्यूब वाले लोग, ऑनलाइन वाले लोग और आप लोगों भी गुड आफ्टरनून। चलिए ध्यान दीजिए, तो हम लोग सब क्या दोनों पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत होता है तो कर दीजिए, ऐसा दिक्कत होता ठीक छोड़ दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, कल हम आप लोगों को समझाए थे ना, तब हम लोग पढ़ाई आज से एकदम अच्छे से करेंगे और हम लोग को बहुत कुछ करना है इस बैच के लिए, ठीक है ना। इस बैच में जितना हम लोग फाउंडेशन पढ़े हैं उसका डबल कम से कम पढ़ाई करना है, तो फाउंडेशन वाला जो बेसिक चीज है उसको कम पढ़ेंगे, बाकी शुरू में बेसिक स्टार्ट तो वहीं से करेंगे लेकिन पढ़ेंगे बहुत ज्यादा और उसके लिए बहुत मेहनत करना है। 70 दिन कम नहीं होता है, अगर 70 दिन हम लोग बढ़िया से मेहनत किया जाएगा ना, तो जिस लेवल पे आज आप हैं, इसका मेरा टारगेट है कि आपका जो आज आपका लेवल है मैथ का, उसका डबल लेवल पे हम लोग को कैसे भी आना है, बाकी जब लेवल अच्छा होगा तो रिजल्ट अपने आप होगा, ठीक है ना। तो हम लोग उस हम बोले थे जैसा आपको बताए थे कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए स्पीड है, कि हमारा स्पीड अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए सबसे पहले हम बोले थे कि हम लोग को 30 तक टेबल याद रखना है, तो हम ये सारा लिस्ट टेबल जो टेबल है वो हम आपको शेयर भी कर देंगे, ठीक है ना। इस टेबल में आपको देखिए यहाँ पे 10 तक है, ये तो 10 तक का टेबल सबको याद है। टेबल बहुत मायने रखता है क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर बच्चों के साथ दिक्कत क्या होता है कि गुणा करने में समय लगता है, स्क्वायर निकालने में समय लगता है, क्यूब निकालने में समय लगता है, क्यूब रूट निकालने में समय लगता है, तो ये चीज अगर फास्ट होगा ना तो ऑटोमेटिक हम लोग देखिए ये बेसिक चीज है और उसके बाद से परसेंटेज कैलकुलेट करना, अगर ये चीज फास्ट होगा ना तो अपने आप मैथ हम लोग का फास्ट बनने लगेगा, ठीक है ना। बाकी लैंग्वेज जहां आएगा तो लैंग्वेज पढ़ के समझना तो पड़ेगा ही सबको, ठीक है ना। तो हम लोग परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट करेंगे लेकिन उसके पहले आज थोड़ा सा हम बेसिक पे वर्क कर लेंगे। हम ये प्लान किए हैं कि पर डे हम लोग 10 मिनट बेसिक पे वर्क करेंगे, पर डे ईच एंड एवरी डे। जैसे हम आएंगे तो आपसे आप में से किसी को भी उठाकर और हम कुछ पूछ लेंगे, जैसे कि मान लीजिए हम पूछ लेंगे कि आप इसका क्यूब रूट बता दीजिए, इसका जो था स्क्वायर रूट बता दीजिए, तो ये सब हम पूछ लेंगे आपसे, ठीक है ना, ताकि हम लोग का जो मेंटल कैलकुलेशन हो ना वो बहुत ही स्ट्रांग हो, और उसके बाद से हम लोग अपना चैप्टर मेन चैप्टर भी पढ़ाई करते रहेंगे। तो 10 तक का टेबल सब लोग को याद है, इसमें किसी को डाउट नहीं है, तो इस स्लाइड से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 11 से 20 तक आते हैं, ठीक है ना। तो 11 से 20 तक के टेबल में आप लोग को सबसे 20 का टेबल तो सबको याद ही रहता है, 20 का टेबल सबको याद रहता है कि नहीं। अच्छा 19 का टेबल याद है क्या? अब 19 के टेबल में अगर देखा जाए तो 19 के टेबल में ना ऐसे तो ट्रिक बहुत सारा चीज है, ट्रिक आपको मिल जाएगा अलग अलग, ठीक है ना। हम ट्रिक वगैरह कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं, टेबल में इसको रख दीजिएगा थोड़ा सा नीचे, ठीक है। आप तो ट्रिक हम ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, बस हम रटवाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ट्रिक बनाइएगा तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं आपको कि 19 का टेबल में क्या होता है, यहाँ पे और नंबर लिखना है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 3 5 7 9 9 के बाद क्या चीज, 11 11 के बाद से 13 13 के बाद बोलिए, हाँ 13 के बाद से क्या चीज, 15 15 के बाद से क्या चीज, 17, ठीक है ना। और 17 के बाद से क्या चीज, 19। और उसके बाद से हम ये भी बोल सकते हैं, नीचे से आप ऊपर तक पढ़ते हुए लिख दीजिए, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 0 लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए, 6 लिखिए, 7 लिखिए, और यहाँ पे क्या लिखे, 8 लिखे, और यहाँ पे क्या लिखे, 9। ये आपका 19 का टेबल कंप्लीट हो गया। तो ये ट्रिक है लेकिन ये सब काम नहीं करता एग्जाम में, ठीक है ना। ऐसे ये समझाने के लिए है कि हाँ भाई 1 से और नंबर लिख दीजिए आप 19 तक, और नीचे में 0 से स्टार्ट करके ऊपर बढ़ जाइए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपका 19 का टेबल कंप्लीट हो गया। तो ये ट्रिक भी हम बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने हमको याद करना, देखिए 19 में 19 38 57 76 95 सबको याद होता है, ठीक है ना। 19 5 कितना, 95। उसके बाद से 19 का 10 बार में ले जाएगा तो कितना होगा, 190, ये भी सबको याद होता है। अच्छा 19 नवा कितना होता है, 190, क्योंकि हम लोग 190 में 19 कम करते हैं, और 190 में से अगर 19 कम कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 171 आ जाएगा। उसके बाद से ये 3 डाटा हम देखते हैं कि बार बार भूलते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो 19 का पहाड़ा अगर 6 बार में पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 114, 114। 7 बार में पढ़ेंगे, 133, और 8 बार में पढ़ेंगे, 152। तो ये 3 डाटा एकदम याद रहेगा, कौन कौन सा डाटा, 114, उसके बाद 133 और 152, 114, 133 और 152, 114, 133 और 152। तो इस तरीके से अगर करेंगे तो टेबल हमारा, ठीक है ना, कंप्लीट हो जाएगा। 13 का इसमें देखिए
सब टेबल में कुछ ना कुछ ट्रिक भी होता है। जैसे मान लिया हम 19 का ट्रिक आपको बताए, वैसे ही 18 में भी खोजेगा तो ट्रिक निकलेगा। एक के बाद तीन, तीन के बाद पांच, पांच के बाद सात, सात के बाद क्या चीज नौ, और नौ के बाद सही और आया, आधा में और रहता है, ठीक है ना। आधा में क्या होता है इवन, नौ के बाद दस से स्टार्ट होगा, दस बारह चौदह सोलह और कितना अठारह। अब यहां से जीरो से लेकर हम जाएंगे क्या चीज, जीरो दो चार छह आठ, जीरो दो चार छह आठ। तो ऐसे ये ट्रिक बनाने के लिए बनाकर बोला जा सकता है, लेकिन इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और हम इसको अब इस पे टाइम नहीं देना चाहते हैं, चाहते हैं आप याद रखिए, ठीक है ना। ऐसे इसमें ज्यादा तक हम करवा लिए थे, हम लोगों को मेन टारगेट है स्क्वायर याद रखना, इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो कल हम आपको स्क्वायर निकालना सिखाए थे, एक बार हम लोग याद भी हम करवाए थे 50 तक, एक बार हम रिकॉल करके आगे बढ़ेंगे। बोले रिकॉल किया जाए, हाँ तो बताइएगा आप लोग सभी लोग, तो बताना बाबू 41 का स्क्वायर कितना। हाँ 41 का स्क्वायर 1600 कितना है, 81। 41 के बाद 42 का स्क्वायर 1764। ये चीज माइंड में लाइएगा तो हो जाएगा। देखिए हमारा दिमाग जो है ना बहुत बड़ा दिमाग होता है, बहुत बहुत पावरफुल है, उसमें बहुत अनंत चीजें आ सकती हैं, समझिए कि बहुत सारा चीज। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आप परफेक्ट बनते जाइएगा। तो बताइए 42 स्क्वायर 1700 कितना है, 64। 43 स्क्वायर 1849। 44 स्क्वायर कितना, 1936। 45 स्क्वायर 2025। 46 स्क्वायर 2116। 47 स्क्वायर 2209। 48 स्क्वायर 2304। 49 स्क्वायर 2401। तो ये सारा का सारा स्क्वायर हम याद रखेंगे, ठीक है ना। अभी इधर आइए आप लोग, तो बताइए 31 स्क्वायर 900 कितना है, 61। 32 स्क्वायर 1024। तो हम लोग बोलते जाते हैं, सुनिए आप लोग भी मेरे साथ कोशिश कीजिए, हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। तो बताइए 900 कितना, 61। 900 61 के बाद 1024, 1089, 1156, 1156 के बाद से 1225, फिर 1236 स्क्वायर 1296, 1296 1369। हाँ 1369 यहाँ तक पहुंच गए, 1300 कितना, 69। 38 स्क्वायर 1444, उसके बाद 39 स्क्वायर 1521, 48 स्क्वायर कितना, 1600। तो 1600 जाएगा, ये समझ गए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये सबको याद ही है, इधर इधर याद है ना सब लोगों को। तो देखिए आप लोगों को 30 तक ऑलरेडी हम लोग बेसिक फाउंडेशन बैच में याद हम करवाए हैं, इससे आगे हम लोग थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, क्योंकि इस पे हम टाइम ऑलरेडी दे चुके हैं फाउंडेशन में, सबको याद ही रहता है ये। तो इस पे ध्यान देना है हम लोग को, बहुत आसान होता है। देखिए अगर हम लिखने का प्रयास करें यहाँ पे एक बार और, तो देखिए क्या होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 31 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, बताइए 900 कितना, 61। 32 स्क्वायर 1024, 1089, 1089 के बाद 1156, 1225, और 1225 के बाद 1296, 1369, 1500, 1444, 1521 हो गया। तो ये हो गया 32 का, ये हो गया आपका 33 का, ये हो गया किसका, 34 का, ये हो गया आपका किसका, 35 का, ये हो गया किसका, 36 का, ये हो गया किसका, 37 का, ये आपका हो गया किसका, 38 का, 38 बाद ये किसका हो गया, 39 का, 39 के बाद 40 का जान ही रहे आप लोग, ठीक है ना। तो याद रहेगा ये आप लोगों को। अब देखिए अब इसके आगे आते हैं हम लोग, तो 41 से लेकर कहां तक, 50 तक। तो 41 का बताइए क्या होता है, 1681, 42 स्क्वायर। देखिए यहां पे एक एक सौ बढ़ते जाएगा, ये 50 से जितना कम है ना उसका स्क्वायर होगा। तो जैसे 50 से 8 कम है तो यहाँ पे कितना आएगा, 64 आएगा। अच्छा 43 से स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1849। देखिए 1849 हो गया, उसके बाद 44 निकालिएगा तो हाँ 1900 कितना, 36। 6 कम है 50 से, अगर 6 कम है तो यहाँ पे क्या आएगा, 36 आएगा, एक एक सौ बढ़ते जाएगा। तो अब बताइए अगर 45 का स्क्वायर निकालिएगा, 225। 46 का स्क्वायर बताइए, 2100 कितना, 16। और 47 स्क्वायर कितना, 2200 कितना, 9। 48 का स्क्वायर 2304। और 49 का स्क्वायर कितना, 2401। और 50 का स्क्वायर 2500। देखिए इसका उल्टा भी हम कल समझाए थे कि आपको रिवर्स कैलकुलेशन भी आना चाहिए। जैसे कहीं भी मान लीजिए क्वेश्चन अगर आ जाता है कि 1444 का वर्गमूल क्या है, तो आपको दिमाग आना चाहिए क्या चाहिए, 38। इसका वर्गमूल कितना, 38 है। 1764 अगर आ जाए, इसका वर्गमूल कितना, 42।
तो इसका वर्गमूल कितना होगा? 42 होगा। अगर 1156 दशमलव यहाँ पर लगा के आ जाए तो आपको क्या होना बताए? इसका 3 दशमलव कितना? 4। तो इसका 3 दशमलव कितना होगा? 4 होगा। तो ऐसे एकदम माइंड में लाना है, ठीक है ना? हम आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको निकालना सिखाए थे कल, सिखाए थे ना कि ए बी का होल स्क्वायर क्या होगा, सिखाए थे आप लोगों को, ठीक है? ओके, अब आइए यहाँ क्यू पे। अब हम लोग क्यू पे आते हैं, क्यू थोड़ा सा याद करते हैं। कल क्यू हम बताए थे आपको, बताए थे ना? तो बताइए आप सब लोगों को 20 तक याद है? सबको 20 तक सबको याद है? बताइए 11 का क्यूब कितना? 1331, 1728, 2197, 2744, 3375, 4096। रुक जाइए, ये जो 4096 है ना, ये 16 का क्या है? क्यूब है। तो इसको थोड़ा विशेष देखिए, 16 का क्यूब 4096 होता है और 64 का स्क्वायर 4000 क्या होता है? 96 होता है। तो 16 का जो आपका 16 का क्यूब है ये 4096 होता है, एट द सेम टाइम 64 का स्क्वायर भी कितना होता है? 4096 होता है। तो इस चीज को माइंड में रखिएगा कि 4096 दो चीज है, 64 का भी स्क्वायर है और साथ में 16 का क्या है? क्यूब है। 17 का क्यूब बताइए 4913, 18 का 3832, 19 का कितना? 6869, और 20 का कितना? 8000। तो यहाँ तक सबको याद ही रहता है। अब इसके आगे देखना हम लोग को, ठीक है ना? 21 का बताना आप लोग को, ठीक है ना? तो 21 हम यहाँ पे देखेंगे, ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए 21 का क्यूब हमको ये, अच्छा नियम देखिए, नियम तो हम बता चुके हैं आपको, 21 का क्यूब कैसे निकालिएगा। हाँ बहुत सारा तरीका है, ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 का क्यूब कितना? 8। चार बार ना 2 से 1 होना माने आधा होना, 2 से 1 होना माने क्या चीज? आधा होना। तो 8 का आधा कितना है? 4। 4 का आधा कितना है? 2। 2 का आधा कितना है? 1। 4 बार लिखेंगे, बीच वाला डबल 8 है, यहाँ पे कितना है? 4। 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। 1 4 2 6 8 4 12 का 2 हाथ में, 1 8 है कितना? 9। तो ये हो जाएगा 21 का क्यूब, होगा कि नहीं होगा? इसके अलावा आप ये भी नियम जानते हैं 21 का क्यूब निकालने का, कि आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए भाई, जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब होता है तो एक ए प्लस बी का होल क्यूब में यहाँ पे बी क्यूब होता है, यहाँ पे 3ab स्क्वायर होता है, यहाँ 3a² भी होता है, और यहाँ क्या चीज होता है? ए क्यूब। तो अब बताइए 1 का क्यूब कितना? 1। 3 into a into b² 3 into a 2, 3 दोना कितना? 6। आ 1 का स्क्वायर 1, तो क्या बनेगा? 6 बनेगा। उसके बाद देखिए 3 into a² b, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 एकम 4, 4 3 12 का कितना? 2, हाथ में कितना? 1। और 2 का क्यूब 8 है कितना जी? 9। तो ऐसे नियम से भी निकालना होगा तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। हम साथ में रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना? कि होगा पी क्यू 3ab² 3a² b, और यहाँ पे क्या चाहिए? ए क्यू। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? अब इसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे 21 का क्यूब हो गया, ठीक है ना? चलिए आप देखिए सब लोग, अगर हम मान लीजिए कि सारा आपको लिखाएं याद करवाएं, जैसे यहां पे मान लीजिए हम ऐसे दे देते हैं 21 का क्यूब लिखना आप लोगों को, बताइए कितना? 9200 कितना? 61। ये इसका यूज आता है इसलिए हम बोल रहे हैं याद रखिए। 22 का क्यूब 10648। अच्छा 23 का क्यूब 12167। 24 का क्यूब 13824। अच्छा 25 का क्यूब 15625। उसके बाद देखिएगा 26 का क्यूब लिखना आप लोगों 17576। 27 का क्यूब बताइए 19683। 28 का क्यूब बताइए 21900 कितना? 52। अच्छा 29 का क्यूब बताइए 24389। 30 का क्यूब बताइए तो ये हो जाएगा कितना? 27। सुनिए शुरू में टफ लगेगा आपको, आपको लगेगा कि हमको याद नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, याद सब कुछ हो जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे याद हो जाएगा, 2-3 बार कोशिश करिए याद करने का, हो जाएगा। तो धीरे धीरे प्रयास करिए आप लोग सब लोग। बताइए 21 का क्यूब कितना? 9261। 9261। 22 का क्यूब 10648। 2 का क्यूब कितना? 8, ठीक है ना? 3 × 2 3 × 2 कितना? 6। और 2 का स्क्वायर कितना? 4। 6 × 4 कितना? 24। 24 का 4 हाथ में 2। अब 3 into a² into b, तो 2² कितना? 4। 4 तीन
सॉरी चार, हाँ चार यही बारह, बारह दो ना चौबीस, चौबीस दो कितना छब्बीस, छब्बीस का छह हाथ में दो, और बताए दो का क्यूब आठ दो कितना दस। तो नियम हो गया निकालने का, बाकी हम याद रखेंगे कि 10,600 कितना 48, 12,167, उसके बाद 13,824, उसके बाद 15,624, और यहाँ पे देखिए 17,576, 19,683, 21,962, 24,300। हाँ ये आप ये सबको याद होगा, हमको लगता है याद है क्या। आठ और चार कहां से आया सर, आठ चार कौन, आठ चार ये बोल रहे हैं क्या। अच्छा कहां से आया 21 का क्यूब में, उसके पीछे उतना नहीं सोचिए आप लोग कहां से आया, ठीक है ना। उतना सोचना होगा तो फिर टाइम लगेगा बाबू बताने में, बहुत सारा मैथ का कोर्स है जो आपके लिए गागर में सागर होगा वो हम दे रहे हैं, जो लोग भी ऑनलाइन है। बस आप समझिए होता है ऐसा, ठीक है ना। हाँ अभी के लिए यही समझिए कि होता है, बाकी जो होता है अगर डिटेल जानना होगा तो फिर हाँ फाउंडेशन बैच में आ जाइएगा, तो फाउंडेशन में बताते हैं बहुत सारा चीज, तो उतना समय नहीं है अभी। देखिए हम चाहते हैं कि आप लोग, ठीक है ना, 12 तक का यूज पड़ता है पावर 4, ठीक है ना। 12 तक हम लोग को पावर 4 भी याद रखना, इसका भी बहुत ज्यादा यूज आता है। जैसे आप जानते होंगे कि 11 का पावर 4 हमेशा आता है, 11 का पावर 4 का वैल्यू कितना 14641, 14641 माने 14,600 कितना 41। अच्छा इस इतना भी हार्ड नहीं है, ये तो आसान चीज है। 1 के पावर 4 कितना 1 होगा, ठीक है। अच्छा 2 के पावर 4 कितना 16, और 3 के पावर 4 81, 4 के पावर 4 256, और 5 के पावर 4 सन, 5 के पावर 4 में हो गया 5 स्क्वायर गुणे 5 स्क्वायर, 25 गुणे कितना 25, और 25 गुणे 25 कितना 625, ठीक है। अच्छा बताइए 6 के पावर 4 कितना, हाँ 6 के पावर 4 हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, 6 के पावर 4 बराबर 6 स्क्वायर गुणे कितना 6 स्क्वायर। अच्छा 36 गुणे कितना 36, अच्छा 36 स्क्वायर अभी याद किए थे 1200 कितना 96, 36 स्क्वायर याद किए थे 1200 कितना 96, तो याद रहेगा ये। कहीं भी 6 के पावर अगर 4 आएगा तो हम लोग ये कर लेंगे। अब बताइए 7 के पावर 4 देखते हैं हम लोग, तो बताइए 7 के पावर 4, हाँ तो 7 के पावर 4 देखिए। अच्छा 7 के पावर 4 का मतलब 49 गुणे कितना 49, यानी 49 स्क्वायर, हाँ 49 स्क्वायर याद किए थे 2400 कितना 1, अभी तो याद किए थे ना 2401 हो जाएगा। इसके बाद बताइए ये हम देखते हैं 8 स्क्वायर गुणे 8 स्क्वायर माने 64 गुणे 64, तो 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर बताइए कितना 6500 कितना, चाहे एक मिनट, हाँ 64 स्क्वायर 4000 कितना 96, 4096। इसका देखिए आप लोग 9 के पावर कितना 4, 9 के पावर 4 माने 81 गुणे कितना 81 का मतलब 81 स्क्वायर, 81 स्क्वायर 65 61, ठीक है ना। इसको आप निकाल सकते हैं 1 स्क्वायर 1 ए प्लस बी के होल स्क्वायर बी स्क्वायर, उसके बाद क्या चीज 2ab, और उसके बाद क्या चीज ए स्क्वायर। इसको ए स्क्वायर पे निकालना होगा अगर आपको, तो ए बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा बताइए बी स्क्वायर, यहाँ पे 2ab और यहाँ पे ए स्क्वायर, तो बताना बाबू 1 का स्क्वायर कितना 1, 2ab, 8 एकम 8, 8 दूना 16, और 16 16 का कितना 6 हाथ में 1, 8 स्क्वायर 64, 64 कितना 65। ऐसे याद रखिएगा 65 61 होता है, 81 का स्क्वायर कितना होता है 65 61, याद रह पाएगा। अब देखिए इसके बाद, हाँ चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, तो ये हो गया 10 के पावर 4 सबको याद है, 10 के पावर 4 का मतलब कितना 10,000, ठीक है। अच्छा 11 के पावर 4 है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 14641, 11 का पावर 4 हो जाएगा 14641, 14,600 कितना 41, 14641, और उसके बाद 11 के 12 के पावर 4 का वैल्यू, हाँ 20,700 कितना 36, यही एक याद रखना है आपको, ठीक है ना। 12 का क्यूब कितना होगा 20,736, तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 12 का पावर 4, 12 का पावर 4 कितना 20,736, तो इसको याद रखिएगा, बाकी सब याद है बताइए, बाकी सब याद है तो बताइए 12 का पावर 4 कितना 20,736, क्लियर है ये, चलिए ओके।
जो लोग भी ऑनलाइन है, प्रिंस कुमार, जीएस इन्वेस्टिगेशन ग्रुप, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। चलिए देखिए अब आप लोग, इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा स्क्वायर रूट निकालना भी कब हम बताए थे, लेकिन थोड़ा बढ़िया से सीख लेते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने आपको परफेक्ट स्क्वायर के लिए आना चाहिए। बोलिए पता है क्या सबको, हम एक बार डिस्कस भी कर देते हैं, दो एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं 1444, इसका वर्गमूल निकालना 38, ऐसे याद है तो 38, याद नहीं है तो कैसे बनाइएगा। हाँ, दो का स्क्वायर कितना, चार, आठ का स्क्वायर 64 का, चार, दो अंक घटाइए 14 के करीब क्या होगा, 9 का वर्गमूल कितना, 3। अच्छा, 3 का गुणा एक बढ़ा के किससे, 4 से, 3 चौका 12। अच्छा 12 है कि 14 है, 14 है। अच्छा कम है कि ज्यादा, 12 से कम कि ज्यादा, ज्यादा, तो मेरा उत्तर ज्यादा वाला, तो आंसर कितना हो जाएगा 38। तो जब कभी भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट निकालेंगे ऐसे हम लोग, ठीक है ना, ये जानते भी होंगे आप लोग। और उसके बाद आइए यहाँ पे, जैसे इसका निकालना मान लीजिए, तो बताइए आप लोग, 3 का स्क्वायर बोले कितना, 9। अच्छा 7 का स्क्वायर कितना, 9, घटाइए 151 के करीब 144। अच्छा 144 का क्या चीज, 12। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ आ गया क्या चीज, 12, 12 का गुणा किससे, 13 से, 156 क्या आएगा, 156। 156 के तुलना में ये 151 कम है कि ज्यादा, कम, 156 से कम है, तो मेरा आंसर कम वाला, यानी आंसर 123। ये क्लियर है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे 151 या 151 से ज्यादा आता तो मेरा आंसर क्या होता है, 127। 151 151 है, इससे अगर कम आएगा तो कम वाला उत्तर, इसके बराबर आ जाए या इससे ज्यादा आ जाए तो मेरा उत्तर कौन सा हो जाएगा, बड़ा वाला। जैसे इन दोनों को गुणा करेंगे, जब 12 गुणे 13 करेंगे तो 156 आएगा। अगर मान लीजिए यह 156 गुणा करने पर इससे छोटा हो जाए तो इन दोनों में छोटा वाला उत्तर, अगर इसके बराबर या इससे बड़ा हो जाए तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, बड़ा वाला उत्तर। अब इसको देखिए आप लोग, हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर, कल ही हम बताए भी थे आपको, बताया था ना। अच्छा इसको कैसे निकालेंगे बताइए, 16 प्लस कितना, 1, 16 का कितना, 4, 1 बटा 4 का दुगुना कितना, 8, ये हो जाएगा 4.125। बोलिए हो जाएगा, सर का मान लीजिए पहले 26 निकाल लीजिए, तो यहाँ पे कैसे, 25 प्लस कितना, 1, बताइए 5 प्लस 1 बटा 10, 5.1 हो जाएगा। यहाँ पर 200 तो क्या लिखेंगे, 196 प्लस कितना, 4, अच्छा 196 का कितना, 14, और यहाँ पे 4 बटा कितना, 100, हाँ इसका दुगुना, जो यहाँ पे आएगा उसका दुगुना, जो यहाँ पे आएगा उसका दुगुना, तो यहाँ पे बताइए 14 का दुगुना कितना, 28, तो 4 से जाएगा कितना बार में, 7 बार में, तो 14 एक बटा 7 बराबर परसेंटेज में होता है 14%, तो 0.14 आने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि 1/7 होता है 14% लगभग, परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा तो 0.2 अंक आगे होगा तो 14 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाइए आप लोग, 63 को कैसे लिखेगा, 64 माइनस कितना, 1, ऐसे लिखेंगे क्या, तो अब बताइए यहाँ पे 64 माइनस 1, 64 का वर्गमूल कितना, 8, 1/16। देखिए जितने लोगों को परसेंटेज टेबल याद नहीं है, आराम से 1 में भाग लगाइएगा 16 से, भाग लगाना सबको आता है, लगाएंगे तो आ जाएगा। जिसको परसेंटेज टेबल याद है, 1/16 बराबर होता है 6.25, परसेंट हटेगा तो बटा में कितना, 100, तो 0.2 अंक आगे जाएगा, तो ये हो जाएगा 8-0.0625 छोड़ देते हैं, तो इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, 7.94, 7. कितना, 94। क्लियर है क्या, तो ये अब यहां तक हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, अब आप लोग इसके बाद आप लोग यहां पे देखिए, बस हम चाहते हैं कि कुछ क्यूब स्क्वायर रूट आप लोग याद रखिए, स्क्वायर रूट याद रखना है 10 तक, 10 तक का स्क्वायर रूट हमेशा हम लोग को याद रखना है, इसका कहीं भी यूज आ जाता है। ये सारा चीज हम शेयर कर देंगे, लिखिए नहीं आप लोग, टेलीग्राम पे हम शेयर कर देंगे, और टेलीग्राम से जाकर आप जो है ना डाउनलोड करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब आप लोग, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग बताइए, 1 का, हाँ 1 का वर्गमूल कितना, 1 का वर्गमूल 1, अच्छा 2 का वर्गमूल 1.414,
1.414, अच्छा रूट तीन बराबर 732, अच्छा बताइए रूट फोर बराबर 2, अच्छा रूट फाइव बराबर 2.23, अच्छा रूट छह बराबर 2.44। देखिए अगर इसको अप्रोक्सीमेशन से बनाइएगा तो 2.38 आ जाता है, लेकिन वो हम नहीं, एक्यूरेट आंसर होता है रूट छह बराबर 2.44। इसको याद रखना है 2.44। बहुत जगह रूट छह आ जाता है, रूट छह आएगा तो निकालने का निकाल कर समय हम बर्बाद नहीं करेंगे भाई, हम लोग को मेंस क्वालिफाई करना है, मैथ में एकदम अच्छा नंबर लाना है, तो हम लोग याद ही रखेंगे कि रूट छह देखते देखते 2 पॉइंट क्या रखेंगे 4। अब उसके बाद आइए आप लोग देखिए, तो अब हम आते हैं रूट सेवन पे, तो बताइए रूट सेवन का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पॉइंट कितना 6.4, यहाँ पे 2.44 और यहाँ पे 2.64। अच्छा रूट एट का वैल्यू बताइए 2.82, 2 पॉइंट कितना 82 हो जाएगा, और रूट नौ का वैल्यू कितना 3 हो जाएगा, और रूट दस का वैल्यू 3.16, तो इसका वैल्यू 3.16 कितना 16 हो जाएगा आपका, याद रह पाएगा क्या? देखिए कोशिश किया जाएगा तो सब कुछ याद हो जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है, हर दिन आपको रटवाएंगे नहीं, शुरुआत हुआ है तो थोड़ा सा याद करवा रहे हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट हम लोग फिर से करते हैं एक बार, सब लोग मेरे साथ कोशिश कीजिए, ऑनलाइन वाले लोग भी कोशिश कीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे रूट वन बराबर कितना 1, रूट दो बराबर 1.4, रूट तीन बराबर 1.732, ये तो एकदम याद होना चाहिए, ये तो बहुत आता है, ये तो हमेशा यूज होता है। उसके बाद इस पे आइए रूट चार बराबर कितना 2, अच्छा रूट पांच बराबर 2.23, अच्छा रूट छह बराबर 2.44, और रूट सात बराबर 2.64, और रूट आठ बराबर 2.1, अच्छा रूट नौ बराबर 3, रूट दस बराबर 3.14। तो इसमें देखिए आपको ये याद है रूट दस बराबर 3.14, इसका भी बहुत यूज आता है रूट दस बराबर 3.14। अच्छा रूट नौ याद है, अच्छा रूट चार याद है, एक याद है, दो याद है, तीन याद है, तो ये सब याद है हटाइए, ये भी याद है हटाइए, अब ये तीन चार पे ध्यान देना। अच्छा रूट पांच का वैल्यू 2.23, पांच का स्क्वायर 25 के आसपास होता है, 23 थोड़ा सा कम, अरे पांच है तो 2.25 से थोड़ा कम 23, बताइए याद रहेगा, तो रूट पांच बराबर 2.23, छह बराबर 2.6 का स्क्वायर 36 से थोड़ा ज्यादा, 36 में 6 जोड़िएगा तो 44 मिल जाएगा, 8 जोड़ेंगे तो 8 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 44 मिलेगा, तो 2.44 कितना 44, बस ये याद कराने के लिए से बोल रहे हैं। अच्छा रूट सात बराबर 2.2 कितना 64, और रूट आठ बराबर कितना 2.8, यहाँ 8 है तो 8 टाइप का कुछ आ रहा है, 81-82 टाइप का कुछ आ रहा है, ठीक है ना, याद रह पाएगा। चलिए हम लोग इसको याद रखेंगे जी, ठीक है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं क्यूब रूट, क्यूब रूट में हम लोग चाहते हैं कि बेसिक कुछ याद रखा जाए, हम 10 तक यहाँ दिए हुए हैं, आप एक बार प्रयास करिएगा 10 तक याद हो जाएगा, लेकिन हम लोग अभी 5 तक कम से कम याद करते हैं, कल आप सब 10 तक याद करके आइएगा, ठीक है ना। एक का घनमूल कितना 1, अगर 2 का वर्गमूल कोई पूछेगा तो 1.  कितना वर्गमूल होता है 4, 1, 4, लेकिन अगर घनमूल पूछेगा तो 1.25, एक्चुअली घनमूल और घटाता है, वर्गमूल घटाता है, घनमूल और ज्यादा घटाता है, वर्गमूल डिक्रीज करता है, और जो घनमूल होता है वो क्या करता है और ज्यादा घटाता है, तो 2 का वर्गमूल 1.414 होता है, और यहाँ पे देखा जाए तो 1.  कितना हो गया 25 हो गया 1.25, 3 का निकालिएगा तो वहां पे 1.73 होता है, और यहाँ पे 1.  कितना 4, 4, और यहाँ 4 का कितना 1.58, और यहाँ पे कितना जाएगा 1.70, तो ये 5 अभी हम लोग याद रख लेते हैं, बाकी हम लोग घर पे देख लेंगे, कल हम पूछेंगे आप लोग से, ठीक है ना। ध्यान दीजिए बताइए 1 का घनमूल कितना 1, उसके बाद से 2 का 1.25 बोलते हैं 1.  कितना 25, अच्छा 3 का बोलिए 1.44, 3 का 1.44, अच्छा 4 का 1.58, और 5 का 1.70, देखिए थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा, तो हम फिर से एक बार प्रयास करेंगे, और देखिए हम फिर से बार बार बोल रहे हैं कि अगर हम लोग चाहेंगे ना तो पूरा पटना से बोल रहे हैं कि पटना से इंडिया का टॉपर हम दे सकते हैं, हम लोग का सबसे लोएस्ट रैंक 31 आया हुआ है सीजीएल में, लेकिन इस बैच से हम उम्मीद करते हैं कि इस बैच में आप लोग टॉप में आइए, माने टॉप में कि टॉप 10 में आइए, या कोई इस बैच से ही टॉपर बन जाए। टॉपर बनने का सौभाग्य हमको इसलिए प्राप्त नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि मैथ में तो हम पूरा नंबर दे देते हैं,
मैथ में तो 100% नंबर मेरे यहाँ से आ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि अदर सब्जेक्ट जो होता है ना, अदर सब्जेक्ट का टीम नहीं था, और टीम नहीं होने की वजह से सारे सब्जेक्ट में नंबर उस तरह से नहीं आ पाता है। किसी लड़के का मैथ में आ जाता है तो इंग्लिश में नहीं आता है। अब परसों जो आए थे पंकज कुमार, तो उनका इंग्लिश में 190 है, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो गए, इंग्लिश में 190 है, लेकिन मैथ में कम आ गया, हालांकि मैथ हमेशा पढ़े हुए थे, ठीक है ना। तो ये अलग ही केस हो गया, इतना कम नंबर हम उम्मीद भी नहीं किए थे। जब हम उनका इंटरव्यू ले रहे थे तो डायरेक्ट हम स्टेज पे ही पूछ दिए थे कि कितना नंबर मैथ में था, तो बताया कितना कम था, 160 नंबर था। हमको मतलब पूछ के भी दुख हो गया कि हम क्यों पूछे, क्योंकि जो लड़का मेरे पास आता है सीजीएल क्वालिफाई करके, उसका मैथ में जो होता है 190 के रेंज में ही होता है, 180 प्लस ही जनरली होता है, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं है, फाइनली बच्चे का रिजल्ट हो गया, किसी में कम आए किसी में ज्यादा है उससे मतलब नहीं है, रिजल्ट मेन मायने रखता है। तो हमारा टारगेट है, देखिए आप लोग बिल्कुल अच्छे से मेहनत कीजिए, और देखिए हमारे जोश से कुछ नहीं होगा, हमसे ज्यादा जोश आप में होना चाहिए कि नहीं, हमको जो था आपको तो सबसे पहले अपने आप पे और मेरे पे प्राउड फील करना चाहिए कि कम से कम पटना में ऐसा कहीं ग्रुप चल रहा है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग सीजीएल में इंडिया में टॉप करने के लिए सोच रहे हैं, सीजीएल क्रैक करने के लिए नहीं सोच रहे हैं। हमारा टारगेट है इस बैच के हर लड़का को प्री क्वालिफाई कराना, पहला हम ये टारगेट रखे हैं कि जो भी लड़का कंटिन्यू रहेगा सब लोग को फॉर्म भरवाएंगे अपने अपने दिशा निर्देश में, आप फॉर्म भरवा के सबको जो था पहले तो प्री क्लियर करवाना है, क्योंकि पहला तो टारगेट है प्री क्लियर करवाना। एक बार जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा तब हम लोग मेंस के लिए पूरा मेहनत किया जाएगा, लेकिन दिक्कत ये होगा कि आप लोग बीच में क्लास छोड़ते हैं, ये दुख लगता है बहुत ज्यादा भाई। जो हमको तो हर साल पढ़ाना, एक तरह से देखा जाए तो हम ही को छुट्टी ज्यादा मनाना चाहिए, लेकिन आप लोग ज्यादा छुट्टी का इंतजार करते हैं, जबकि हर साल हम दुर्गा पूजा में पढ़ाते हैं। पिछले बार जो पंकज लड़का आया था, ये लोग का पूरा दुर्गा पूजा में हम क्लास लिए थे, ठीक है ना, सप्तमी को जाकर छोड़े थे। तो आप भी एकदम प्रिपेयर रहिए कि आपको मेहनत करना है। अगर हम बोलेंगे कि दो कदम दौड़िए तो आपको दौड़ना है चार कदम, ये आपके अंदर होना चाहिए। जब हम दो बोलेंगे आप चार दौड़िएगा तो हमको भी लगेगा कि हम चार नहीं, हम आपको क्या करें छह दौड़ा है, हम भी और एफर्ट लगाएंगे भाई। तो ये इस तरह से सोचना है, इस तरह से मेहनत करना है, तब होगा। देखिए एक चीज और हम बताएंगे कि कोई स्टूडेंट भी कमजोर नहीं होता है, कोई स्टूडेंट कमजोर नहीं होता है इतना कि वो जॉब ना ले सके। जॉब लेना बहुत छोटी बात है, जॉब किसी का हो जाता है। जॉब के लिए अगर आप अच्छे से मेहनत करिएगा ना, लग जाइएगा सही से तो होगा, लगे ही नहीं रहिएगा डाउट आपको। अच्छा वो लड़का जो पंकज आया था परसों, क्या बोला, ये बात बोल रहा था, आप लोग सामने बोला था, आप लोग टारगेट बैच वाले कुछ लोग थे उसमें, क्या बोल रहा था कि हम सोच रहे थे कि मेरा सीएचएसएल भी होगा कि नहीं होगा, बोला था कि नहीं बोला था कि हम सोच रहे थे कि मेरा सीएचएसएल भी होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो लड़का कहाँ है अभी एएसओ में, ठीक है ना। वैसे ही आप लोगों को रोज लगता होगा, आपको लगता होगा कि सबसे कमजोर आप ही हैं, आपको लगता होगा ना मेरा कैसे हो जाएगा, मेरा सीएचएसएल होगा, नहीं भी हो सकता है, पता ना कहीं एमटीएस भी होगा कि नहीं होगा, ऐसा फील होता है कि नहीं होता है, होता है, सबको लगता है, जितने भी ऑनलाइन है ऑफलाइन है सबको ये बात लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। जब आप मेहनत करते जाइएगा ना तो सीएचएसएल भी होगा, सीजीएल भी होगा, और सीजीएल में जहां चाहिएगा वहां पोस्टिंग लीजिएगा, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। हम एकदम क्लियर कट बोल रहे हैं, ऑनलाइन में ऑफलाइन के जो कम पढ़ने वाले हैं वो नहीं पढ़िए, ठीक है ना, जो कम पढ़ने वाले इस बैच में एडमिशन भी मत लीजिएगा, लेकिन हमको हम लोग को क्या करना है, पढ़ाई अच्छे से दम करना है, मेहनत करना है, तभी जाके होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम पांच बोले याद करने के लिए आप लोग को, कि बताइए एक का घनमूल कितना बोले एक, अच्छा दो का घनमूल 1.25, अच्छा तीन का घनमूल 1.44, अच्छा चार का घनमूल 1.58, और यहाँ पे 1.70। तो हम लोग को ये वाला याद ही है, और उसके बाद से हम लोग को पांच वैल्यू याद करना है, 1.25, 1.44, 1.58, 1.70, 125, 144, 158, 170, 125, 144, 158 और 170। बोलिए क्लियर है क्या। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसको देखिए अब आप लोग, ठीक है ना। हम लोग बेसिक में और भी कुछ करते रहेंगे, रोज रोज 20 मिनट 25 मिनट बेसिक भी करेंगे, जब तक कि आपका बेसिक पूरा स्ट्रांग नहीं हो जाता है, और उसके बाद से हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो परसेंटेज सब लोग जानते होंगे, थोड़ा बहुत जानते हैं ना सब लोग,
अच्छा परसेंटेज हम बिल्कुल बेसिक से ये स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट ऐसा नहीं है कि हम बहुत हाई फाई क्वेश्चन करवाए हैं, पता चला कि इजी बने ही नहीं। तो हम एक होता है ना, जब हम अलर्ट होकर चल रहे हैं तो मेरा टारगेट है कि हर तरह से हम सोच रहे हैं कि अगर इजी ही केवल पूछ देगा तो क्या करेंगे। तो उसमें भी हमारा बच्चा सब बना का है, जल्दी बनाए, हार पूछे तो भी बनाना है, ये सोच के हम चल रहे हैं। तो शुरुआत हम इजी से एकदम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सब लोग बताइए, अगर परसेंटेज में बदलना है तो कितना से गुणा करेंगे? 100 से। मान लीजिए कहीं पे यहाँ पे 1/2 है, परसेंट में बदलना है तो कितना से गुणा करेंगे? 100 से। तो 2 से जाएगा 50 बार में, कितना परसेंट? 50%। अच्छा 1/3 का वैल्यू 33.3, हाँ 33.3 या 33.33, 1/4 25%, 1/5 1/6। हाँ तो इसको याद रखिए, ये टेबल जो है याद होना भी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इस बैच में तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बिल्कुल ही मतलब कुछ नहीं जानता है। सब लोग तो जानते ही होंगे, इतना जानते ही नहीं जानते हैं, बेसिक में हम इतना बता दिए। अगर नहीं जानते हैं तो इतना जानिए कि फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए कितना से गुणा करेंगे? 100 से। तो हो जाएगा 100/कितना? 11। 11 से भाग दीजिए, 11 × 99, 1/कितना? 11%। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे करके हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पे तो ये बदलना कुछ हम सिखाए हैं, ठीक है ना, इस पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इजी क्वेश्चन से। हाँ क्वेश्चन नंबर 1 के पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए आप लोग, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन, ठीक है ना। ऑनलाइन में जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग बनाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए आप लोग, 1 नहीं मतलब 1 तो बाद में बनाते हैं, पहले 2 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, बनाइए इसको आप लोग, कैसे बनाइएगा। और देखिए पहला क्वेश्चन हम आसान ही लिए हैं, CHSL का क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। बनाइए, कैसे बनाइएगा, अच्छा यहां पे देखिए क्या लिख रहा है, आप सब लोग देखेंगे भाई। ए और बी दो ऐसी संख्याएं हैं कि ए के 10% और बी के 8% का योग, ठीक है ना। हम पहले एक बार आराम से बनाते हैं डिटेल में, उसके बाद से हम कोशिश करेंगे जल्दी करने के लिए। ए का 10% के माने गुणा, ए का 10% इसका मतलब हो गया 10% ऑफ क्या चीज, ए, प्लस बी के 8% इसका मतलब हो गया 8% ऑफ क्या चीज, बी, और दोनों का योग, योग माने प्लस हो गया, और इज इक्वल टू यहां पे देखिए आप लोग, ए के 12% तो यानी 12% ऑफ ए, और यहां पे लिख रहा है कि बी के 16%, बी का कितना 16%, यानी 16% ऑफ क्या चीज, बी, अच्छा इसका योग, योग माने प्लस, इन दोनों का यहां पे लिख रहा है कि 3/5, यहां पे लिख रहा है 3/5 के क्या है, बराबर है, ए अनुपात बी निकालना है। तो एक आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा कि नहीं बताइए, क्या आंसर आएगा, बी नंबर आ जाएगा। हाँ देखिए सबसे पहले इस 5 का गुणा करिए आप लोग, तो 5 से 10 में गुणा होगा कितना, 50 है, 5 × 10 कितना, 50 है। अच्छा देखिए 12 × 3 कितना, 36, तो 50 से 36 से आके घटेगा कितना आएगा, 14 है, 14% ए, अरे मिलेगा। अच्छा इसके बाद बताइए यहाँ पर ये 5 अगर गुणा होगा 8 में, तो बताइए 8 × 5 कितना, 40, या 16 × 3 = 48, 48 बी में 40 भी आके घटेगा तो कितना होगा, 8% ऑफ क्या चीज, बी। अब इसके बाद देख लेंगे भाई, तो भाई यहाँ पे ए आ जाएगा, बी को नीचे लाएंगे तो बी आएगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे कितना होगा, 14 होगा, अगर आप इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4/7, यानी ए अनुपात बी इक्वल टू 4:7, तो हमारा आंसर 4:7 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नोट कीजिए तो आप लोग इसको, नोट करते चलिए। फोर रेशियो सेवन हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये अभी CHSL का है, परसेंटेज का नॉर्मल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बनाइए, नोट कर लिए। अब एक क्वेश्चन और हम देते हैं, इसको बनाइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, तो ये बन रहा है क्या,
क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन बनाइए। जो लोग भी ऑनलाइन है सब लोग बनाएंगे भाई, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। एक आदमी ने, यहां पे लिखा हुआ, एक आदमी ने जमीन का एक टुकड़ा 48,000 रुपए में खरीदा, उसने इसका 2/5 हिस्सा 10% की हानि पर और 42% के समग्र लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष भूमि को किस लाभ प्रतिशत पर 0.1 स्थान तक बताना है, 1.0 स्थान तक पूर्णांकित करना है पर बेचना चाहिए, बताइए क्या बनेगा क्या। चलिए देखिए, तो यहां पे कैसे बनेगा, एक आदमी, इसको छोटा करने दीजिए थोड़ा सा, बना क्या आप लोग से। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे कैसे बनाएंगे भाई, एक आदमी ने एक जमीन का टुकड़ा, देखिए इस अड़ताल, जब कभी आंसर परसेंटेज में देना हो ना तो इससे मतलब रखना ही नहीं, आपको एक्चुअल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है जब परसेंट में आंसर देना, या तो 100 मान के बनाइए या तो फ्रैक्शन में बनाइए। तो यहाँ पे लिख रहा है कि उसने इसका 2/5 हिस्सा, अच्छा 2/5 का मतलब क्या होता बताइए, 2/5 यानी 5 में 2 हिस्सा, तो यानी हम ले लेंगे यहाँ पे 2 हिस्सा, 5 में 2 हिस्सा निकलेगा 3 हिस्सा, 5 में से 2 हिस्सा ले लिए बचा 3 हिस्सा, कुल मिला के कितना 5 हिस्सा। देखिए 2/5 हिस्सा 10% की हानि पर, इसको 10% की हानि पे बेच रहा हो, और उसके बाद लिख रहा है क्वेश्चन में कि 42% का ओवरऑल प्रॉफिट, 42% का समग्र लाभ, यानी ये ओवरऑल है ना, इस पे हमको कितना परसेंट चाहिए 42%, तो 42% का लाभ यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे आपको गुणा करना पड़ेगा कितना से, हाँ यहाँ पे 1 से गुणा कर लीजिए। देखिए 2 रूप ऐसे सोचिए, 2 हिस्सा 3 हिस्सा कुल मिला के कितना 5 हिस्सा, और ये 2 पे हम 2 से गुणा करेंगे, 2 हिस्सा को जितने प्रॉफिट लॉस पे बेच रहा है उससे गुणा करेंगे, 3 वाले पर हम 3 माने जो शेष यहाँ पे बच गया है इसको जितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस पे बेचेगा उससे गुणा करेंगे, और यहाँ पे हम ये ओवरऑल है तो यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट लॉस से क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो यहाँ गुणा करेंगे कितना से 42 से, इस पोर्शन को 2 वाले पोर्शन को किससे गुणा करेंगे 10% लॉस, यहाँ 10% लॉस है तो लॉस का मतलब प्लस से कि माइनस है, माइनस है, और इस पे हम गुणा करेंगे किस से 1 से, ऐसे करेंगे तो 1 निकल जाएगा, तो बताइए यहाँ पे कितना आएगा। अच्छा बताइए 3x बराबर ये गुणा करिएगा तो 200 कितना 10, आइए हो जाएगा कितना 20, तब 20 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, x का वैल्यू 230, अब बटा में कितना 3, भाग लगाइए 3 7 कितना आएगा 7, ये दोनों नहीं होगा 7 से स्टार्ट होना चाहिए, 3 7 बच गया कितना 2, 2 पे 0 20, 3 6 कितना 18, तो 76 वाला आंसर हो जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा, ये 79 है, ये हो जाएगा आपका, तो बोलिए बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। तो आज हम इतने पे रहते हैं, ठीक है ना, क्लोज करते हैं, क्योंकि संजीव सर बोले थे कि टाइम पे छोड़ने के लिए। सर मेरे भैया आपसे पढ़े हैं और आपके कोर्स लेने के लिए बोले हैं, हम अभी 12 क्लियर किए हैं, अभी 12 क्लियर किए हैं, 12 क्लियर किए हैं, क्या CHSL 12 क्लियर किए हैं तो फाउंडेशन ले लीजिए, ठीक है ना, फिर दिक्कत होगा इसमें, तो चलिए ओके ठीक है, ये हो गया, आप लोग देखिए तो ये बनाइएगा क्वेश्चन, हम इसको शेयर कर देते हैं, 10 क्वेश्चन है इसमें, नॉर्मल क्वेश्चन ये बनेगा, थोड़ा देखिएगा तो ये क्वेश्चन और देख लीजिए, देख लीजिए बताइए बनेगा क्या, बन जाएगा कैसे, कैसे बनाइएगा। अच्छा देखिए पी और क्यू ने मिलकर 1,20,000 रुपया, पी और क्यू का मिलाकर कुल वेतन, पी और क्यू का मिलाकर कुल वेतन 1,20,000 है, पी अपने वेतन का 95%, क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है, तो देखिए पी अपने वेतन का 95%, क्यू अपने वेतन का 85% क्या करता है खर्च करता है। अच्छा एक बात बताइए, पी अगर 95% खर्च करता है तो कितना परसेंट बचाता है 5%, अच्छा क्यू अगर 85% खर्च करता है कितना बचाता है 15%,
अगर 85% खर्च तो 15% का बचत। अच्छा, यदि यदि उनकी बचत समान है, दोनों की बचत क्या है, समान है, तो दोनों का बचत समान है तो हम ऐसे कर सकते हैं, क्या बताइए। अच्छा, पी का कितना परसेंट, 5%, इक्वल टू क्यू का 15%, ऐसा लिख सकते हैं। इसी को अगर हम लिखेंगे तो पी रेशियो क्यू, पी वाला उधर चल जाएगा 5 और क्यू वाला इधर आ जाएगा 15, ये जानते हैं आप लोग। तो हम ये भी नहीं लिखते, डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और उसके बाद रेशियो निकालिएगा तो 3:1 कितना, 1। अब बताए पी का वैल्यू कितना, 3, तो क्यू का वेतन कितना, 1, दोनों मिला के कितना, 4, दोनों मिला के 4, और दोनों मिला के 1 लाख कितना, 20,000। 4 = 1,20,000, 1 = कितना 30,000, दोनों को जोड़े 3 और 1 कितना, 4, 4 = 1,20,000, 0 है यहाँ पे, तो 1 = कितना 30,000, 1 = 30,000। तो आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए पी का वेतन क्या है, तो बताए पी का वेतन कितना, 3 × 30,000 = कितना 90,000। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। जैसे ही ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन ही दिए, बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है ना, बस प्रैक्टिस करना है, ऐसे भी परसेंटेज नॉर्मल चीज होता है। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर पे, ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये वाला शीट हम भेज देंगे, इसको बनाइएगा आप लोग। कल के बारे में क्या, कल का क्लास क्या होगा, अनुराधा मिश्रा सर, स्किल टेस्ट में मेरा टाइपिंग वाला हिंदी हो गया है, इंग्लिश में करना है, चेंज हो सकता है। हाँ, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, क्या मॉडिफिकेशन का डेट देगा, ठीक है ना, जब फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट हो जाएगा ना, तो उसके बाद से चेंज करने का मौका मिलेगा, ठीक है ना, तो उसके लिए आप एक्टिव रहिएगा, चेंज हो जाएगा। तो जीएस का क्लास कल से, तो अच्छा विषय के लिए अभी नहीं किए हैं, तो क्या आप लोग बोल रहे हैं, कल का क्लास कल रखा जाए क्लास, हाँ जी रखा जाए ना। अच्छा, कल परसों एग्जाम होगा, बीपीएससी का, बीपीएससी का एग्जाम है क्या आप लोग का, किनका किनका एग्जाम है, 1, 2, 3, 4, 5 लड़का लो में, हाँ कल भी कर लेते हैं क्लास, फिर परसों जो है हमको तो मैंने लेने का ही मन है, ठीक है ना, तो कल क्लास हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना, कल क्लास ले लेंगे, ठीक है, कल वह क्लास हो जाएगा, उसके बाद से देखते हैं। बीच में आप, बीच में अगर मान लीजिए आप घर जाने का भी प्लान करते हैं आप लोग, तो हम लोग ऑनलाइन क्लास ले लेंगे, ठीक है ना, अगर बीच में जाते भी हैं आप लोग, तो कोर्स भी कंप्लीट करना है, तो हम लोग यूट्यूब के माध्यम से या फिर एप्लीकेशन के माध्यम से आपका क्लास लेते रहेंगे, ठीक है ना, चलिए ओके, चलिए ठीक है ओके, तो CHSL टाइपिंग दिए हैं, टाइपिंग दिए तो अच्छे से कीजिए, टाइपिंग भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना, रिकॉर्डेड बैच में डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट तो चल रहा है अभी, 25% ऑफ चल रहा है सारे बैच में, ऑनलाइन में, बंद कर दीजिए।